हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे जनकिश टेक्नोलॉजी चैनल पे। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमआई का स्मार्ट टच। ये सेकंड पार्सल मंगाया मैंने, देख सकते हो। ठीक है, ये भी एमआई का है, एमआई के ऐप से मंगाया है। इसमें ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें स्मार्ट लाइट है, इसमें स्मार्ट लाइट कैसी है ये देख सकते हो। मैंने ओपन किया, ये बिल है और ये लाइट है, एमआई की लाइट है। एमआई एलईडी स्मार्ट कलर बल्ब B22 इनोवेशन फॉर एवरीवन। 9 वॉट का है एलईडी, 950 लुमियस है और 16 मिलियन कलर है बोलते हैं इसमें। ऑप्शन है 11 ईयर लॉन्ग लाइफ है, मोबाइल ऐप कंट्रोल है। इसके एक मोबाइल आता है और ये सब बॉक्स है, मोबाइल से कंट्रोल होता है ये सब सारा चीज। ऐसे बताऊँ खुल के कैसा है इसे, चलिए खुल के बताता हूँ मैं। इससे ये मल्टी कलर है, मतलब रेड ब्लू ग्रीन अपन इस पर एडजस्ट कर सकते हैं और वो ऐप थ्रू होता है। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैं इसको आपको बताऊंगा और कैसे इसे यूज़ करते हैं और कलर क्या है, क्वालिटी कैसा है, तो इसको खुल के दिखाते हो कैसा है क्वालिटी इसका। ये लाइट है ऐसा, इस तरीके से लाइट है। एमआई लाइट देख रहे हैं आपको, बहुत ही हेवी है, बहुत लाइट वेट नहीं है बोल सकते से, हेवी है। और ये नॉर्मल होल्डर में आता है और हेवी है, पर मैं इसे चालू करके कॉन्फिगर करके दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी इस लाइट को मैं बंद करके चालू करूँगा, 5 बार बंद करके चालू करना है। ये रिसेट हो जाएगा और इसका वाईफाई एक्टिव हो जाएगा और ये कलर में दिखेगा आपको, इसका कलर चेंज होगा तो समझ में आ जाएगा कि इसका वाईफाई रिसेट हो गया। देखिए दोस्तों ऐसा। और अभी मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, इसके वाईफाई कनेक्ट होने के बाद एक मोबाइल का वाईफाई चालू करके रखना है, उसके उस पर इससे कनेक्ट करना है। जैसा मैं भी ऐप पे आ गया हूँ दोस्तों, और पहले तो इसकी प्लीज सेटिंग चेक करते हैं, इसमें सब ऑन कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए कनेक्टिंग में। नहीं तो क्या होता है कि कुछ सेटिंग्स बंद रहने की वजह से अपन परेशान हो जाते हैं, फिर कनेक्ट नहीं होता है। एक बार हुआ था ऐसा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये देखो आप देख रहे हो, सब ऑन कर देना है। फाइंड डिवाइस बाय वाईफाई वो भी ऑन करना है। सिक्योरिटी में सेटिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर में सेल्सियस दिख रहा है, सेल्सियस पर क्लिक करता हूँ मैं। सेल्सियस क्लिक करने के बाद इसमें दो तरह के, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो उसमें सेल्सियस में रह के बैक आ जाता हूँ, इसे बैक आ जाता हूँ। और उसके बाद अभी देखता हूँ नेक्स्ट सेटिंग क्या क्या है इसमें। और आप देख सकते हो मैंने सब ऑन कर दिया था, और इसके बाद अभी मैं इसके फिर से रिसेट बैक होके इसके ऐप पे आ गया हूँ, बंद करके चालू किया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ओपन होने देता हूँ, टाइम लग रहा है काफ़ी, थोड़ा स्लो हो गया था। ये अपडेट ले रहा है डाटा, अभी अपडेटिंग डाटा के बाद देखो दोस्तों आ गया। इसमें मैं इसमें एडेड डिवाइस कर सकता हूँ और या स्कैन कर सकता हूँ, तो स्कैन नहीं करना, एडेड डिवाइस करता हूँ। एडेड डिवाइस करने के बाद ये एमआई का एलईडी कलर बल्ब शो करेगा यहाँ पे, और इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर हो रहा है, कॉन्फ़िगर 100% तक हो जाएगा तो अपना ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा इसमें। और एक अपने को मोबाइल का वाईफाई चालू रखना है, ये गलती मत करना दोस्तों, मोबाइल की वाईफाई चालू रखना है, उससे कनेक्ट करके उसमें पासवर्ड डाल के उससे भी कनेक्ट करके रखना है अपने को। और उसके बाद फिर वाईफाई लाइट का जो वाईफाई उससे कनेक्ट होना है, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करते ही मोबाइल का वाईफाई जो कनेक्ट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ ये 86% हुआ है, ये देखो कनेक्ट टू द वाईफाई डिवाइस सेस वाईफाई, तो ये बोल रहा है कि येलो लाइट जो लिंक है वाईफाई का, जो लाइट का जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करना है, तो सेटर डिवाइस कर देता हूँ। और ये वाईफाई देखो, ये गैलेक्सी जो है मेरा मोबाइल का है, मोबाइल के अभी नेटवर्क से मैं कनेक्ट होता हूँ, उससे कनेक्ट होने के बाद ये लाइफ वाईफाई चालू हो जाएगा, मेरा लाइट चालू हो जाएगा। देखो दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो गया है मोबाइल का मेरे, और मोबाइल से भी मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये नीचे सेकंड है, ये लाइट का वाईफाई है, लाइट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो वो लाइट का वाईफाई कनेक्ट हो गया। देखो कॉन्फ़िगर हो रहा है, 100% कॉन्फ़िगर हो रहा है, और इसे कॉन्फ़िगर होने देता हूँ, 100% तक होगा और लाइट कनेक्ट हो जाएगा मेरे मोबाइल से, और मेरे मोबाइल के ऐप थ्रू ही ये ऑपरेट होगा। जब भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ या ब्लू रेड करना चाहता हूँ, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल से होगा। मैं इसे सेट कर देता हूँ हॉल पे, ये लाइट का नाम दे सकते हैं अपन, अपने नाम से भी दे सकते हैं। मैं डन करके और ये नेक्स्ट करता हूँ उसमें, और डू नॉट शेयर फॉर नाउ करता हूँ, डोंट प्रमोट भी नहीं करना है। ठीक है, सेव हो जाता है ये, और अब ये देखो एग्री करके कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया दोस्तों, अभी मेरा लाइट इस पर कनेक्ट हो गया है। अभी मैं आपको ब्राइटनेस चेंज करके बताता हूँ और लाइट कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो चेंज कर रहा हूँ,
या अप डाउन अप डाउन, इसके वीडियो में आगे ऐड किया मैंने, अब दिखाता हूँ उसको, प्लस वगैरह ये हो, अप करूँगी तो ब्राइटनेस हाई होगा, लो करूँगी कम होगा, तो मैं इसका वीडियो बताता हूँ आपको कि कैसे चेंज हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, ये लाइट वाइट में है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं लाइट को चेंज करता हूँ, जब कलर चेंज करूँगा आपको, देखिए दूसरे ऐप में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐप में जाने के बाद ये ओपन कर रहा हूँ इसे, थोड़ा स्लो है, ये अपडेटिंग डेटा ले रहा है। ठीक है, ये आ गया है, ये लाइट कनेक्ट है इस पर, मैं इस पर क्लिक करना है अपने को, इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑन ऑफ भी इसी यहाँ से हो जाता है, दिख रहा है आपको सर्कल बन ऑन ऑफ का ब्लू वाला, उस पर क्लिक करूँगा ऑन भी होगा ऑफ भी हो जाएगा। ये पूरी तरह से स्मार्ट लाइट है, तो स्मार्ट लाइट है, बटन से बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बंद भी होता है हालांकि, पर यहाँ से भी कर सकते हो आप। ठीक है, अभी इसे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा स्लो हो गया दोस्तों, तो अब मैं इसमें आ गया हूँ, देखो एग्री करता हूँ, और एग्री करने के बाद लेफ्ट राइट करूँगा तो पूरे ब्लू रेड जिस पे भी ले जाऊँगा पूरा कलर उससे चेंज हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट का दिखा दो वीडियो आपको मैं, ये देखिए ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू हो गया है, ब्लू हो गया। ठीक है, और अभी मैं दूसरा से कलर चेंज करके दिखाता हूँ, तो दूसरा भी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, और अभी मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ, ऐप में जाता हूँ फिर से मैं, और ऐप में जाने के बाद थोड़ा स्लो है, तो ये अपडेट हो रहा है फिर से, फिर से इस पर ऐप पे क्लिक करूँगा, MI LED स्मार्ट पे जो आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद ये आ गया दोस्तों। और ये देखो, अभी मैं फिर से रेड करता हूँ, रेड करने के बाद अब देखो आपका, मैं अभी फिर से हो जाता ब्लू है, तो अभी फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, पिंक रेड है, पिंक रेड ही बोल सकते हैं इसे, ये रेड हो गया दोस्तों। देखो ये ऐसे चेंज होता है, और इसमें बहुत तरह के कलर्स है, आप लाइट रेड रेड बहुत बहुत 22 मिलियंस कलर है बोलते हैं सेम, तो अपन उसमें उस टेक्सचर से चेंज कर सकते हैं, वाइट भी होता है, ब्लू रेड ग्रीन, और एक फ्लो का ऑप्शन है, फ्लो पे क्लिक करते हैं अपन तो वो ऑटोमेटिक सारे कलर चेंज होते रहेगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, और इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, कमेंट में किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और चलिए दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।